जम्मू में दिवाली के पटाखों के लिए स्टॉल लगाने की प्रक्रिया आज शुरू हो गई। जिला प्रशासन ने इस साल थोक विक्रेताओं को 3 दिन जबकि खुदरा विक्रेताओं को 2 दिनों के लिए स्टॉल लगाने की अनुमति दी है। ये स्टॉल दीपावली की रात तक रहेंगे। यहाँ खरीदारी के दौरान कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। जम्मू संभाग में पाकिस्तानी सेना ने राजौरी और पुंछ जिले में संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। सुबह से ही राजौरी जिले के नौशहरा सेक्टर में और पुंछ के शाहपुर केरनी कस्बा सेक्टर में मोर्टार और छोटे हथियारों से गोलाबारी की। इस वर्ष अक्टूबर तक पाकिस्तानी सेना ने 3,599 बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। कांग्रेस की तरफ से ब्लॉक अखनूर में DDC चुनाव में अनुराधा शर्मा को ब्लॉक अखनूर से उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों और अखनूर कांग्रेस कमेटी के नेताओं का शुक्रिया अदा किया। वहीं उन्होंने आम जनता से उन्हें भारी मतों से जीत दिलाने की अपील की। उन्होंने कहा कि मैं अखनूर विकास कार्यों को गति दूंगी और अधूरे कार्यों को पूरा करने का प्रयत्न करूंगी। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के सोपुर क्षेत्र के बागे इस्लाम की महिलाओं समेत सैकड़ों स्थानीय निवासियों ने जल आपूर्ति विभाग PHC के खिलाफ पानी सप्लाई न होने पर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने घंटों सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 2 महीनों से पानी की सप्लाई बाधित है और वो गंदा पानी पीने को मजबूर है। कोई उनकी सुध नहीं ले रहा है। नशे के विरुद्ध जारी अभियान के तहत कठुआ पुलिस ने 11 लोगों को हिरासत में लेकर 8 के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये जानकारी SSP शैलेंद्र मिश्रा ने साझा की। उन्होंने कहा कि कठुआ पुलिस नशे के सौदागरों के खिलाफ अभियान छेड़े हुए है। उन्होंने लोगों से अनुरोध करते हुए कहा कि वो लोग आगे आए और पुलिस के साथ मिलकर नशा तस्करों के बारे में जानकारी साझा करें। कश्मीर घाटी में LWDA की एनफोर्समेंट एजेंसी ने गगरीबल क्षेत्र में एक निर्माणाधीन ढांचे को सील कर दिया। ये निर्माण मानदंडों के उल्लंघन में किया जा रहा था। इससे पहले भी इसे ध्वस्त किया गया था। वहीं ट्रकों और टिपरों वालों को सख्त हिदायत दी गई है कि वो निर्माण सामग्री लेकर नगीन झील की निषिद्ध क्षेत्र में ना जाएं। जिला डोडा पहाड़ी क्षेत्र की सड़कों की स्थिति दयनीय है। डोडा से घाट तक की रोड की हालत खस्ता और खराब है। यहाँ पर पैरापेट्स भी नहीं बनाए गए हैं। सड़क के साइड कोई प्रोटेक्शन नहीं है। हर जगह पैच दिखाई देते हैं। सड़क लगभग 20 गांव को जोड़ती है। इस सड़क की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अगर समय पर सड़क की हालत ठीक नहीं की गई तो कोई सड़क हादसा हो सकता है। डोरू पुलिस द्वारा DYSP सैयद मजीद मौसमी की देखरेख में SHO सईद नजीर अंद्राबी ने ट्रैफिक कानूनों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाते हुए कई मोटरसाइकिलों के चालान काटे और बिना हेलमेट पहने और कागजात नहीं होने पर कई 2-व्हीलर जब्त किए। वहीं उन्होंने बच्चों के पेरेंट्स से अपील की कि अपने नाबालिग बच्चों को बाइक न सौंपे। जम्मू के ब्लॉक बलवाल ब्राह्मण से BJP के DDC प्रत्याशी भूषण बराल द्वारा अपना नामांकन पत्र भरा गया। इस मौके पर BJP के उप प्रधान श्यामलाल शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि यहां से पूरी की पूरी 4 सीटों पर BJP द्वारा भारी मतों से जीत दर्ज की जाएगी। उन्होंने कहा कि लोगों का प्रधानमंत्री मोदी पर पूरा विश्वास है। वहीं प्रत्याशी भूषण बराल ने कहा कि अपने ब्लॉक बलवाल ब्राह्मण में विकास कार्यों में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। पिछले 3 सालों से स्कॉलरशिप मिलने का इंतजार कर रहे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों ने आज सिविल सेक्रेटरिएट की तरफ कूच किया। वहीं पुलिस द्वारा उन्हें रोक दिया गया। विभिन्न जिलों से ये विद्यार्थी अपनी परेशानियों को लेकर यहाँ पहुँचे थे। विद्यार्थियों ने कहा कि प्रशासन से कई बार गुहार लगा चुके हैं परंतु कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अगर जल्द उनकी स्कॉलरशिप जारी नहीं हुई तो वो आंदोलन तेज कर देंगे। जम्मू ईस्ट वार्ड नंबर 4 के लोगों और महिलाओं द्वारा यूटी प्रशासन और BJP सरकार के खिलाफ नारे लगाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने मांग की कि जम्मू में स्मार्ट मीटर लगाना बंद किया जाए और बिजली विभाग को प्राइवेटाइज नहीं किया जाए। हमें रोजगार चाहिए, ना कि बिजली प्राइवेटाइज कर लोगों पर बोझ डाला जाए। कश्मीर घाटी के जिला पुलवामा में 55 RR ने पंचगाम गाँव में सफाई अभियान चलाया। इस अभियान की स्थानीय लोगों वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रशंसा की गई। यह अभियान स्वच्छ भारत मिशन के तहत किया जा रहा है। वहीं इस मौके पर लोगों को स्वच्छता के बारे में जागरूक भी किया गया। जम्मू के विभिन्न विभागों के कैजुअल और डेली वेजर्स द्वारा अपनी मांगों को लेकर एक प्रदर्शन किया गया। वहीं उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल द्वारा हमें आश्वासन दिया गया है
कि 61,000 कर्मचारियों को एक साथ एडजस्ट करना मुश्किल है, पर स्टेप बाई स्टेप सबको किया जाएगा। वहीं उपराज्यपाल ने कहा कि जैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होगा वैसे ही रेगुलराइजेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।